हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम चैप्टर करने लग रहे थे पीछे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो इसमें कुछ अलग टाइप के प्रॉब्लम्स है जो हम आगे करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमें सॉल्व करना है वो है, क्या करना है हमें इसमें प्रूव, टू साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमें एक्सप्रेशन गिवन है 2 साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा माइनस 3 साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा प्लस 1, और किसके इक्वल प्रूव करना हमें 0 के। इसमें क्या लेके चलेंगे हम, टेकिंग LHS इसके लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, तो क्या हो जाएगा 2, जो हमारे पास साइन 6 थीटा है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस जो कोस 6 थीटा इसको क्या लिख देंगे हम, कोस स्क्वायर थीटा होल क्यूब माइनस ये क्या हो जाएगा 3 साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जैसे कि हमें पता है हमारे पास फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी। ये जो एक्सप्रेशन होगा हमारे इस टाइप से ओपन होता है, तो यहाँ पर देखो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए की जगह क्या हमारे पास साइन स्क्वेयर थीटा और बी की जगह क्या हो जाएगा कोस स्क्वेयर थीटा। तो इसको ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ए प्लस बी यानी कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा ब्रैकेट इनटू ए स्क्वेयर, यानी ए स्क्वेयर क्या हो जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा का होल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा का होल स्क्वेयर माइनस ए बी यानी माइनस साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा, ये हो जाएगा इसका ऊपर एक्सप्रेशन करेंगे तो अब नेक्स्ट क्या बच जाएगा हमारे पास, माइनस 3 साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा और प्लस 1 ये बच जाएगा। अब साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा हमारे पास क्या होता है 1 होता है, तो 1 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा एक्सप्रेशन क्या बच गया हमारे पास, 2 साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। अब 2 किसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो क्या बन जाएगा ये 2 साइन स्क्वेयर 4 थीटा प्लस 2 कोस 4 थीटा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा, और उसको ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस 3 साइन 4 थीटा माइनस 3 कोस 4 थीटा प्लस 1, ये एक्सप्रेशन हमारा बन गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, 2 साइन 4 थीटा माइनस 3 साइन 4 थीटा, इनको सब्ट्रैक्शन में क्या बन जाएगा इसका माइनस साइन 4 थीटा, इसी तरीके से कोस 4 थीटा का क्या बन जाएगा ये माइनस कोस 4 थीटा, नेक्स्ट क्या बच गया यहां पर माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा प्लस 1, ये एक्सप्रेशन इसमें क्या हो जाएगा रिड्यूस, यहां से हम क्या कॉमन ले ले माइनस 1, तो माइनस 1 कॉमन लेते ये क्या बच जाएगा साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा प्लस 1, ये एक्सप्रेशन हमारी ये बन गया। अब ये देखो क्या बन गया हमारा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 ए बी यानी ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, तो यहां से क्या हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा का होल स्क्वेयर, और बाद में क्या बच जाएगा फिर से बात प्लस 1, ये क्या होता है 1 हो जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा, तो यहां से क्या बच जाएगा माइनस 1
इंटू वन स्क्वेयर प्लस वन, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो हमें क्या प्रूव करना था, किसके इक्वल, जीरो के इक्वल। तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, इनको हम इस तरीके से सोल्व करेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसके अंदर क्वेश्चन है हमारा साइन एट थीटा माइनस कोस एट थीटा। ठीक है, साइन एट थीटा माइनस कोस एट थीटा, इसको किसके इक्वल प्रूव करना है, इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर थीटा माइनस कोस स्क्वेयर थीटा ब्रैकेट वन माइनस टू साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा। हमें गिवन है एक्सप्रेशन साइन एट थीटा माइनस कोस एट थीटा, और ये किसके इक्वल प्रूव करना है हमें, साइन स्क्वेयर थीटा माइनस कोस स्क्वेयर थीटा इंटू वन माइनस टू साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा। अब जैसे कि फॉर्मूला हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किसके इक्वल हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर उसको हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो जो साइन एट थीटा है हमारा माइनस कोस एट थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन फोर थीटा का होल स्क्वेयर माइनस कोस फोर थीटा का होल स्क्वेयर। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के फॉर्मूला बन गया। अब इसको ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन फोर थीटा माइनस कोस फोर थीटा इंटू साइन फोर थीटा प्लस कोस फोर थीटा। ये एक्सप्रेशन हमारा बन गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो ये है साइन फोर थीटा माइनस कोस फोर थीटा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वेयर थीटा का होल स्क्वेयर माइनस कोस स्क्वेयर थीटा का होल स्क्वेयर। अब जैसे ये एक्सप्रेशन, इसको हम फॉर्मूला बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, जो साइन फोर थीटा प्लस कोस फोर थीटा है, अगर इसमें हम प्लस टू साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा ऐड कर दें और माइनस साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा सब्ट्रैक्ट कर दें। टू साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा क्या कर दिया, इसमें ऐड कर दिया, और टू साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा यहां से क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जो ये है आइडेंटिटी, यहां से हमारी क्या बन गई, साइन स्क्वेयर थीटा माइनस कोस स्क्वेयर थीटा, ए माइनस बी और ए प्लस बी। नेक्स्ट ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा। अब ये फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा का होल स्क्वेयर। तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा का होल स्क्वेयर माइनस ये आ जाएगा टू साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा। ये एक्सप्रेशन हमारे बन गए। अब यहां से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन स्क्वेयर थीटा माइनस कोस स्क्वेयर थीटा। नेक्स्ट साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा क्या होता है, वन। तो क्या हो जाएगा, इनटू वन, यहां से ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा वन। तो वन माइनस टू साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा। तो ये एक्सप्रेशन हमारा क्या बन गया, साइन स्क्वेयर थीटा माइनस कोस स्क्वेयर थीटा इंटू वन माइनस टू साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा। तो ये जो हमें प्रूव करना था वो हमारा आ गया। इन टाइप क्वेश्चन में आपको बेसिकली क्या करना है, जो हमें गिवन है उनको, जो आइडेंटिटीज होती है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, उनकी फॉर्म में तोड़ना है और ये देखना कि हमें यहाँ पर प्रूव क्या करना है। तो उसके हिसाब से क्या करेंगे, हम यहाँ पर हमारी एक्सप्रेशंस बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट है हमारा कोट स्क्वायर ए ब्रैकेट सीकेंट ए माइनस वन डिवाइड बाई वन प्लस साइन ए माइनस सॉरी प्लस सीकेंट स्क्वायर ए इंटू साइन ए माइनस वन डिवाइड बाई वन प्लस सीकेंट ए और एक इसकी इक्वल दिखाना हमें जीरो की इक्वल। तो इन क्वेश्चन को करने के हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस होते हैं उनको काफी तरीके होते हैं। तो इनमें आप क्या कर सकते हो, पहले साइन और कोस में चेंज करो, उसके बाद जैसे हमारे आंसर आए उस हिसाब से सोल्व करते जाएंगे तो हो जाएगा। दूसरा क्या है, इसको यहीं पर ही क्या कर ले, इनका एलसीएम ले ले, तो उसके बाद इसको क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले साइन और कोस में चेंज करके सोल्व करते हैं। तो देखो कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, सीकेंट क्या हो जाएगा वन अपॉन कोस ए माइनस वन डिवाइड बाई वन प्लस साइन ए। तो ये जो हमारा साइन और कोस में चेंज हो गया, इसी तरीके सीकेंट स्क्वायर ए को क्या लिख लेंगे हम, वन प्लस कोस स्क्वायर ए इंटू साइन ए माइनस वन डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा वन प्लस वन अपॉन कोस ए। ये हमारे साइन और कोस में क्या हो गए, चेंज हो गए। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, इसका एलसीएम सोल्व करेंगे। तो क्या बन जाएगा ये, कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए वन माइनस कोस ए अपॉन कोस ए इंटू वन प्लस साइन ए। इसको एलसीएम लेके सोल्व करने के लिए आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट इसको करेंगे तो क्या बन जाएगा, वन अपॉन कोस स्क्वायर ए, ये एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, इंटू कोस ए साइन ए माइनस वन अपॉन वन प्लस कोस ए। भाई इसको एलसीएम लेंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, वन प्लस कोस ए अपॉन कोस ए, पूरे डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहां से कोस ए से कोस स्क्वायर ए कैंसिल, कोस ए से कोस स्क्वायर ए कैंसिल, तो ये टर्म क्या बच गई हमारी, कोस ए इंटू वन माइनस कोस ए डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए इंटू वन प्लस साइन ए। तो ये एक्सप्रेशन हमारे ये बच गए। नेक्स्ट जैसे साइन स्क्वायर ए इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कोस स्क्वायर ए, भाई साइन स्क्वायर ए को क्या लिख दिया, वन माइनस कोस स्क्वायर ए लिख दिया, तो ये क्या बच जाएगा, प्लस साइन ए माइनस वन अपॉन कोस ए इंटू वन प्लस कोस ए। ये एक्सप्रेशन हमारी ये बन जाएगा। अब जो वन माइनस कोस स्क्वायर ए है इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कोस ए इंटू वन प्लस कोस ए, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, कोस ए इंटू वन माइनस कोस ए डिवाइड बाई वन माइनस कोस स्क्वायर ए को क्या लिख देंगे, वन माइनस कोस ए इंटू वन प्लस कोस ए, और साथ में क्या है वन प्लस साइन ए। तो जो ये हमारा एक्सप्रेशन होगा इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस वन अपॉन कोस ए इंटू वन प्लस कोस ए, ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। यहां से वन माइनस कोस ए से वन माइनस कोस ए कैंसिल, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है हमारा, वन प्लस कोस ए, तो कॉमन लेंगे क्या बच जाएगा, वन अपॉन वन प्लस कोस ए। नेक्स्ट यहां पर क्या बच गया, कोस ए डिवाइड बाई वन प्लस साइन ए, भाई वन माइनस कोस ए वन माइनस कोस ए कैंसिल, और वन प्लस कोस ए क्या ले लिया यहां पर कॉमन। नेक्स्ट क्या बच जाएगा, यहां पर साइन ए माइनस वन अपॉन कोस
ये हमारा एक्सप्रेशन बच गए। अब इनमें लेंगे हम एलसीएम, तो क्या बच जाएगा ये 1 अपॉन 1 प्लस कोस ए। ये एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या है इसका 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, और इसको कोस ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर ए। यहां पर 1 प्लस साइन ए और माइनस ले लेंगे तो 1 माइनस साइन ए, इसको माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस साइन ए, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इनका प्रोडक्ट ये आ जाएगा। नेक्स्ट इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस कोस ए, यहां से क्या हो जाएगा ये कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और यहां पर माइनस 1 डिवाइड बाई कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये एक्सप्रेशन बच जाएगा। तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो ये यहां पर क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस ए इंटू 1 माइनस 1 डिवाइड बाई कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, और ये क्या हो जाएगा ये दोनों से कैंसिल 0, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 0 की इक्वल आ जाएगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे हम इनको क्या करेंगे इस तरीके से सोल्व करेंगे, जो कॉम्प्लिकेटेड होंगे क्या करेंगे सबसे पहले उनको साइन और कोस के फॉर्म में चेंज कर लो और उसके बाद सोल्व कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनको रिजल्ट को प्रूव करेंगे। जैसे हमें गिवन है इफ टेन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू एम, बट टेन थीटा प्लस साइन थीटा है उसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमें एम, और टेन थीटा माइनस साइन थीटा ये क्या दे दी हमें एन, तो हमें क्या प्रूव करना है शो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4√mn। एम की वैल्यू दे दी हमें टेन थीटा प्लस साइन थीटा, और एन की वैल्यू दे दी टेन थीटा माइनस साइन थीटा, और क्या प्रूव करना हमें एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर किसके इक्वल है 4√mn। तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए यहां पर एम स्क्वायर चाहिए, तो एम स्क्वायर क्या हो जाएगा टेन थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, किसकी इक्वल हो जाएगा ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा, ये इसका स्क्वायर ओपन हो गया। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए एन स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा टेन थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये किसकी इक्वल आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा साइन थीटा, ये दोनों वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा। नेक्स्ट माइनस एन स्क्वायर, तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा, ये वैल्यूज आ जाएगी। तो यहां से प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो जो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हो किसकी इक्वल आ गया हमारा 4 tan थीटा साइन थीटा, तो जो ये हमारा क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें क्या प्रूव करना है जो हमारी राइट हैंड साइड है यानी कि किसकी इक्वल आना चाहिए ये 4√mn,
तो यहां से हम एम एन की वैल्यू फाइंड आउट करें, क्या हो जाएगी, एम इंटू एन टेन थीटा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई टेन थीटा माइनस साइन थीटा। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इनको साइन और कोस में चेंज कर देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इनको सोल्व करेंगे। तो टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब इसको एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा क्या बन जाएगा, इसमें साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कोस स्क्वायर थीटा, ये हमारा क्या बन गया, इसमें एलसीएम हो गया। तो एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, वहां से साइन स्क्वायर थीटा ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेने के बाद वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कोस स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा और वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो वैल्यू आ गई एम मल्टीप्लाई बाई एन। तो जो अंडर रूट एम एन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, किसकी इक्वल आ जाएगा, ये टेन थीटा साइन थीटा की इक्वल आ जाएगा। अब हमें क्या प्रूव करना था, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर किसकी इक्वल होना चाहिए, फोर अंडर रूट एम इंटू एन। तो यहां से एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कितना है, फोर टेन थीटा साइन थीटा, और अंडर रूट एम एन कितना है, टेन थीटा साइन थीटा। तो यहां से क्या लिख देंगे, हेंस इसको हम क्या मान लेंगे, वन, और इसको मान लेंगे टू। तो लिखेंगे हेंस फ्रॉम वन एंड टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू फोर अंडर रूट एम इंटू एन। तो जो इस टाइप की हमारी आइडेंटिटीज होंगी उनको हम क्या करेंगे, इस तरीके से सोल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे एक क्वेश्चन और है, वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा एक्स की वैल्यू क्या दे दी हमें, ए साइन थीटा, और वाई की वैल्यू क्या दे दी, इज इक्वल टू बी टेन थीटा, देन एक्स की वैल्यू दे दी हमें ए साइन थीटा, वाई की वैल्यू दे दी बी टेन थीटा। तो हमें क्या प्रूव करना है, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ये किसके इक्वल आना चाहिए, वन के इक्वल आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड वी हैव एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई तो उसको क्या करेंगे, में पुट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। तो इनकी कोरस्पोंडिंग वैल्यू क्या कर दी हमने, इसमें पुट कर दी। तो यहां से ए स्क्वायर जे स्क्वायर कैंसिल और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो किसके इक्वल आ गया, वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा।
तो वन अपॉन साइन स्क्वेयर थीटा क्या हो जाएगा हमारा कोसेकेंट स्क्वेयर थीटा, और वन अपॉन टेन स्क्वेयर थीटा क्या हो जाएगा माइनस कोट स्क्वेयर थीटा। अब जैसे आइडेंटिटी होती हमारी वन प्लस कोट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वेयर थीटा, तो यहां से कोसेकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस कोट स्क्वेयर थीटा कितना हो जाएगा वन, तो यहां से क्या लिख लेंगे इज इक्वल टू वन। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे, तो आप जो बुक में क्वेश्चंस है इनको सोल्व करो, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। थैंक यू।